गुरुतर संक्रामक रोग में आक्रांत रोगी को रक्त देवाई सरकार देवे आर्थिक सहायता। थालासेमिया, सिकल सेल, आनीमिया, हिमोफिलिया रोगी को प्रतिथर रक्त नेवाई जातायात बाबद को मिल 500 टंका। एथस राज्य सब् रोगी किपर आवश्यकता अनुजाई रक्त मिलपार से नहीं अधिक रक्त भंडार खोलिबे सरकार। स्वेच्छाकृत रक्तदान दिवस अवसर में आज घोषणा कर मुख्यमंत्री। हेमोफिलिया, एचआईवी संक्रमित रोगी को एवं मागणारे मिलिबो रक्त। एथिसह प्रति थर रक्त नवापई रोगी को मिलिबो 500 टंका यातायात खर्च। रक्त अभाव राज्य में मृत्यु संख्या कमेबाकु सरकार एही योजना हाथ को नेछंती। राज्य में 11 रक्त उत्पादन पृथकीकरण यूनिट खोल जावाकु लक्ष्य रखा जाइछि। स्वेच्छाकृत रक्तदान दिवस अवसर में स्वास्थ्य विभाग पक्षर आयोजित कार्यक्रम एने घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री। The state government has decided to provide an assistance of ₹500 per month to patients with blood disorders towards their transportation costs for blood transfusion. राज्य में मोट 81 टी लाइसेंस प्राप्त रक्त भंडार और 14 टी रक्त उत्पादन पृथकीकरण यूनिट रही। 3 टी मेडिकल कॉलेज और कैपिटल हॉस्पिटल नाट परीक्षण केन्द्र रही। द्वारा मलेरिया, एचआईवी, हेपाटाइटिस बी और सी र चिन्हट 7 दिन भीतर करा जाई पारुछि। अधिक संख्या रे रक्त भंडार खोलिबा को सरकार उद्यम करथुवा कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री। प्राय 420,000 ब्लड कलेक्शन करिया पे सक्षम हे पारिछु एवं ता सहित मध्ये आमे किछि नुवा ब्लड कलेक्शन भ्यान मध्ये किनिया पई जाउछु जोथरे कि आमे ए ब्लड कलेक्शन कार्यक्रम को बहुत व्यापक करि पई। रोगी आसुथवा समय रे ताको 500 टंका दिया जिवो। गरीब रोगी मानको या बहुत सहाय्य करिवो। मु ताठारो अधिक खुशी आउ गोटे कार्यक्रम पाई से कार्यक्रम टी हला सरकार रेडक्रॉस रो कर्मचारी भाई मानक दायित्व हाथ को नै चंत। जीवन बिंदु ओ आम ओडिसा पक्षरु सर्वाधिक रक्तदान शिविर आयोजन करा जाउछि। ए दुई अनुष्ठान को संबर्धित करिछंती राज्य सरकार। भुवनेश्वर रु कैमरामैन गौरव प्रसाद राजगुरु रश्मिता दास, ईटीवी न्यूज़।